जैसे आप लोग के जोश देख रहा बानी, हमरे अपने भाग्य पर खुशी होता। ये बड़ी भाग्य से ऐसा समय मिलेला जब अपने ही राज्य के कोई व्यक्ति अपने ही राज्य में इतना सम्मान पावे। लेकिन हमारा मालूम बा, ये सम्मान खाली मनोज तिवारी के नहीं खे, ये सम्मान यहाँ बैठल संजय जायसवाल जी के, बिहार के बीजेपी अध्यक्ष, यहाँ बैठल हमार भाई राणा रणधीर जी के, और इस सम्मान इस मंच पे बैठल जनता दल यूनाइटेड के, वीआईपी पार्टी के, हम पार्टी के सब कार्यकर्ता लोगन खातिर भी बांटे, और इस सम्मान नरेंद्र मोदी जी खातिर भी दिख रहा, नीतीश कुमार जी खातिर भी दिख रहा बा। हम जानते नहीं कि जब आप लोग के पता चलल हुई कि आज मनोजवा आवता, संजय जायसवाल जी आवता राणा रणधीर खातिर, तो कई लोग सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी खाना उना बना के तैयार हो गए हुई चले के बा। लेकिन आप भी मत सोचे कि आप पे खाली इतना उत्सुक रहनी, आपसे ज्यादा उत्सुकता हमारे अंदर थी कि आज हम पकड़ी दयाल चल रहे हैं, मधुबन विधानसभा में चल रहे हैं, और आज हमारे यहाँ बीच में कई साथी जैसे प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ शंभू जी बैठे हैं, हमारे यहाँ शुभम शर्मा जी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बैठे हैं, और यहाँ के जिले के जिलाध्यक्ष हमारे भाई राजेश तिवारी जी, उन्होंने स्वागत किया था वही उतर के, पप्पू जायसवाल जी वैश्य महासभा के महासचिव, मुरारी प्रसाद जी, परमानंद जायसवाल जी, नितेश सर्राफ जी, पंकज जायसवाल जी, वीरेंद्र सिंह जी मंडल अध्यक्ष बानी, नरेंद्र यादव जी, आशपूरण कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष, किशोरी बैठा जी, गणेश सहनी जी, और यहाँ पर कुछ दो लोग ऐसे आए हैं जो हमारे बड़े भाई हैं, एक बॉम्बे से अमरजीत मिश्रा जी आके बैठे हैं। बॉम्बे आप देखते होंगे कभी कभी खूब बड़ी छठ होती है ना समुन्द्र किनारे, तो यही करवाते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए अमरजीत मिश्रा के लिए। और हमारे आदरणीय पवन शर्मा जी जो हमारे दिल्ली के हमारे बड़े भाई हैं, यहाँ उनकी ड्यूटी लगी है, वो भी उपस्थित है। एक हमारी बहन भी वीआईपी पार्टी की, निर्मला सहनी जी, यहाँ से हमारी मुलाकात हुई थी एक पीछे कार्यक्रम में, मुकेश सहनी जी के पार्टी के, कोई के नाम छूट गए तो क्षमा कर दिया जा, लेकिन ये जो सामने आज कुंभ लगल बा पकड़ी दयाल हुए, हरिद्वार के पहले एक और कुंभ दिख रहा है, हमारे चेयर पे बैठे हुए सब हमारे चेयरमैन भैया लोग, जमीन पर खड़े सब जमींदार लोग, और दूर दूर जो खड़े हैं, यहाँ से भी वो देख रहा हूँ पेड़ के नीचे धान के खेत के पीछे बाई तरफ बहने खड़ी है, दाहिने तरफ भी लोग अपनी अपनी घरों पे खड़े हैं, अभी भी लोग आना अभी आना जारी है। हम इस भाव को समझते हैं भैया, और हम आपसे जितनी बातें कहने आए हैं उसमें बहुत सारी तो संजय भैया ने कह दी, बीजेपी जेडीयू वीआईपी और हम का कहे ले करे ले ये भी आपको बता दिया, राणा रणधीर भाई ने डिटेल में बताया कि हम कैसे कैसे बच्चियों के भविष्य के लिए, कैसे किसानों के लिए, कैसे गृहिणी के लिए, घर में काम करने वाले युवा भाई महिला सबके खातिर काम होता। लेकिन मेरी एक अलग प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है पकड़ी दयाल के सभी भाई बहनों से, ये पंचायत है ना भैया, हम लोग पंचायत के लिए बैठे हैं कि बिहार का भविष्य आगे अब कैसा होना चाहिए, बिहार को यहां से किधर चलना चाहिए, बिहार के लिए कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी है। और ये भी ध्यान रखना है भैया, क्योंकि चुनाव में तो जो आता है अपने हिसाब से बतियाता है,
लेकिन जो लोग कई पार्टी के लोग भी आएंगे, ये जरूर विचार करिएगा किसका चरित्र क्या है, कुछ छुपा तो नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं कि आके मार वाह वाही में सारी बात कर दिए और उसकी जो गंदगी है विचारों की वो पता ही नहीं चला। इसलिए आपसे हम प्रार्थना करेंगे, याद रखिएगा, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, मुकेश सहनी जी के पार्टी, जीतन राम मांझी जी के पार्टी, और दूसरी तरफ के बाटे, दूसरी तरफ मुड़कटवा पार्टी वा। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसके सारे तर्क हैं। महागठबंधन में एगो पार्टी वा माले जिसका नारा ही है 6 इंच छोटा करेंगे, और उसके साथ हमारे महागठबंधन के जो युवराज कहे जा रहे हैं उन्होंने उनके साथ समझौता किया। किसके साथ? जो लोग 6 इंच छोटा करने में विश्वास रखते हैं। एगो पार्टी बाटे कम्युनिस्ट पार्टी, वही महागठबंधन में हमारे भाई बहन याद रख अब जा। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है भारत तेरे टुकड़े होंगे, मतलब एगो पाकिस्तान बन गई, अभी दोबारा एक और टुकड़ा भारत के करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में नारा लगता है, उसका नेता कन्हैया कुमार है, वो भी महागठबंधन में है। भूलिएगा मत मेरे भैया, पर भूलिएगा मत। और एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वही कांग्रेस पार्टी अगर हम किसी को मुड़कटवा कह रहे हैं, किसी को देश बटवा कह रहे हैं, तो कांग्रेस को हम धन चटवा कहते हैं। ये खाली पैसा रुपया चाटे लसन, ये करप्शन के महागुरु है लोग। लेकिन इस समय तो बिहार को विचार करना होगा। ये वही कांग्रेस पार्टी है, हमारे बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई बंबई में। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, मेरे भाई बहन, मेरे पकड़ी दयाल के दीदी लोग, भैया लोग, युवा भाई लोग, और यही कांग्रेस की सरकार है। इसका चरित्र जान लीजिए, इसने कह दिया हम सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जांच नहीं होने देंगे, FIR नहीं किया, और इसी बिहार में आके वोट भी मांग रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि हम बिहार के युवाओं के बड़े हितैषी हैं। नीतीश कुमार जी ने जब FIR किया, जब यहां की पुलिस गई उनको गिरफ्तार करने, जांच करने, तो आपको बड़ी विनम्रता से बताऊं, इतिहास में पहली बार हुआ बिहार की पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया कांग्रेस की सरकार ने। आपको याद हो तो याद रखिएगा, हम तो केवल चरित्र बतावे खातिर सब बात बतावता नहीं। एक हमारा IPS गया बिहार का, विनय तिवारी, उसको जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया, पूछ के गया था, चेक करा के गया था। कांग्रेस से पूछना जरूरी है कि तुम सुशांत सिंह राजपूत जैसे बिहार के बच्चों की हत्या या अन्याय के साथ उनके विरुद्ध क्यों खड़े हो जाते हो, और वो भी आकर के तेजस्वी बाबू के साथ गठबंधन करके कह रहे हैं बिहार में मुझे वोट दो। आप बताइए मेरे भाई बहन, बिहार के बच्चे यहां से दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, हैदराबाद जाए, चेन्नई जाए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इन बहुरूपियों को पहचानना पड़ेगा मेरे भैया। हमारे दीदी लोग, मनोज तिवारी तो गाना गाते गाते आपके पास आया, हमको पता भी नहीं था हम एक दिन सांसद बन जाएंगे, लेकिन आपके प्यार ने दूसरी बार सांसद बना दिया है आपके आशीर्वाद में। ये हमारी रमा दीदी का लोकसभा है ना शिवहर, रमा दीदी को लोकसभा में मंच पे जब बैठी थी तो उनको इसी महागठबंधन वालों ने क्या गाली दिया था, आपको याद है? यही भैया लोकसभा में, वो हमारी आपकी रमा दीदी, आपकी शिवहर, आपके यहां पकड़ी दयाल की यहां की बेटी, मां हमारी, वो जब मंच पे बैठी थी लोकसभा के कुर्सी पर, तो उसको यही महागठबंधन में से एक पार्टी के लोगों ने हमारी मां को गाली दिया,
और वो यहाँ वोट मांगते हैं। राणा रणधीर भाई तो जीतेगा ही, इसलिए कि इतना जल समुद्र, विशाल जल समुद्र उनके काम के बदौलत उनके साथ है। लेकिन ये सारी इन सब चीजों के बीच आपको विचार तो करे की पड़ी ना, मनोजवा का कहता कहे कहा। और लोग मंथन करे के पड़े, हम लोगों को चिंतन मंथन करना है। ये लोग, इन लोगों को भी तो बिहार चलावे के मौका मिला रहे ना भैया। जब इन लोग के बिहार चलावे के मौका मिला तो इन लोग एक ही उद्योग लगाते हैं, अपहरण का उद्योग। और जब राणा रणधीर की बारी आती है, एनडीए की बारी आती है, तब बिहार में सड़क बने लागेला, बड़े बड़े गंगा जी पर, गंडक पर पुल बने लागता, कोसी पर पुल बने लागता। तो पुल बनला से दूरी घटता, घटता तो मनोजवा सटता, सटता तो सारा बाधा बिगड़ हटता। भाई हम बात थोड़ा सा, चूंकि हम कविता भी लिखी लाना हो, हमने तो कहा हम तो बिहार की धरती के, रामधारी सिंह दिनकर के धरती के हम लोग रहे वाला हैजा मनोज बाबू। और हमने, हमारे याद है आपको ना, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी को नीतीश कुमार को सब गाली दे रहे, ये तो वही बात हो गई कि जब भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो शांति रहनी चाहिए, गड़बड़ मत करो, और कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे तलवार न उठाएंगे। वह भी दुर्योधन दे न सका, वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, भगवान को बांधने चला था, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसे मनोज तिवारी आप सबसे प्रार्थना करता, ये लोग जात का जहर फैलाते हैं, सड़क बनी तो एक ही जात के लोग चली, पुलिया बनता तो एक ही जात के लोग चली, आयुष्मान योजना में 5 लाख के फ्री इलाज मिलता तो कोनो जात बिरादर के अंतर बा, अगर 25,000-50,000 बेटिन के दिया था तो बेटी के दिया था ना, क्यों कोनो जात के या धर्म के बेटी के दिया था। बीजेपी जो कहती है वो एक में कोनो डाउट बा, ना दीदी लोग भी कर, यहाँ डाउट नहीं खे बाबू, डाउट नहीं खे, बीजेपी जो कहती है वो, यही से तो मनोज तिवारी आप सबसे प्रार्थना करत बा, आपसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन जरूरी है। युवा पीढ़ी को ये महागठबंधन के लोग क्या सिखाते हैं, अभी एक दिन मैं देखा एक तेजस्वी बाबू भाषण दे रहे थे कि बाबू साहब हमारे सामने से सीना तान के चले जा, अरे अरे भैया जाति पाति में क्यों फैला रहे हो हमारे बिहार को, हमारा बिहार सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ चला है, अब जाति के नफरत का बीज मत डालो भैया। जाति पात के जहर फैला, मैंने गीत गाया था, दो लाइन में याद दिलाना चाहता हूँ संजय भैया, एक गीत हम तो गीत गाते रहते, गाना हम गाले रही, जात पात के जहर फैलल, अरे उजड़ल जाता अपन बाग हो, कोशिश करके के जरे मत दीहा, दहकावत बाढ़े उबड़ की आग हो, अरे ओटवा के चक्कर में बा जतिया धर्म के जहर, मांगे के पड़ी अब
हिसाब हो। अरे मधुबन या पकड़ी दयाल में मनोजवा, मांग तारा नरन धीर जैसल भाग से का के अब आपे लोग रो कब जा, दहके न पावे वैसा आग। तभी तो हम आपसे प्रार्थना करतनी कि जिया हो बिहार के लारा, अरे जिया तू हजार सारा, अरे जिया हो पकड़ी दयाल मधुबन के बाला, जिया दस हजार सारा, अरे ए हो भैया दीदी चाचा चाची हो। वहां पे ना बहुत सारे कलाकार है नहीं खातिर गावत आली ना, यहाँ हमारे बहुत सारे कलाकार लोग भी आए हैं, सिने आर्टिस्ट लोग आए हैं, सब सपोर्ट में बा। और बता दें आपको राणा रंजन भाई, इस बार एनडीए 170 सीट से ज्यादा जीत के आएगी, मधुबन विधानसभा का लिखा जाएगा। हे राणा, हम तो आप लोग के बीच में अपन प्रार्थना करेंगी, लेकिन सच बताएं नरेंद्र मोदी जी भी आ गए हैं कल, एक तारीख को आ रहे हैं फिर से। चल रहे इधर कहाँ आवा करे, गांधी मैदान में उनके जरूर सुने जइहा जा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी जी के जोड़ बिहार के भाग्य के जोड़वा भैया, बिहार के भाग्य के जोड़वा। यही से हम मांगतनी कि ये चाचा चाची हो, एक काका काकी हो, अरे फिर से बीजेपी पे आशीर्वाद बनावाए भैया भैया भैया, अरे दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद। अगर कहता तो एक माला हम पहना दिए भैया, संजय भैया के साथ पहना दे, कमल पे बैठ के लक्ष्मी आई है, तीर रही रक्षा में, और मुकेश साहनी जीतन मांझी भैया रही है जनता के सुरक्षा में, जनता के सुरक्षा में। एगो माला पहना देना दीदी लोग, आप लोगों का भी आशीर्वाद है, पहना दे माला तो दोनों हाथ एक बार उठा देना बहन, एक माला हम, एक माला हमार संजय भैया, दोनों लोग आज पहना दहल जाई। राणा रणधीर हमारा शान है, कमल का निशान है और मधुबन की जान है, प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया। आपके बीच से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करी चार पांच जगह और जाए के बाद आज इतने में, लेकिन देखो भैया भैया देखो इसको नजर गुजर न लगे ना, राणा रणधीर का नजर उतारना पड़ेगा ना, मंच पे जो लोग हैं उनका भी, जो सामने बैठे उनका भी, जो पीछे दीदी सब खड़ी है, इसलिए मेरा एक गीत याद रखना कि नजर न करो लग जा, एक पकड़ी दयाल मधुबन के हुस्न के कोठी में, आए गो नेनुआ दो चार गो लड़का, लटका के रखी है राणा रणधीर के चोटी में। खुश रहिए भैया, मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए और अपना वोट जरूर डालिएगा, उसके बाद का काम एनडीए का है, राणा रणधीर जी का निशान में कोने कोने पर बाहो।
जो ईवीएम आई न मशीन ओकरा में दूसरे नंबर पे हमने राणा रणधीर जी के कमल के निशान जैसे हमारे संजय भैया ने आजकल कवि हो गिल वाला इन्होंने कहा कि ईवीएम में दूसरा नंबर के बटन दबा के राणा रणधीर के दूसरी बार मंत्री बनावे के बाद सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद दीदी नमस्ते आप सबके प्रणाम चाहे के मन नहीं के करत लेकिन यहाँ के हम रोटी रखवा ले बनी गाड़ी में उहे खात चल जाई गोल लागत नहीं हमरो खातिर आशीर्वाद दिया जा जय हिंद।